वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए काफी प्यारे प्यारे स्टेशनरी कलेक्शन लेकर आई हूँ, बहुत ही ज्यादा बड़े से एक बॉक्स के अंदर। गाइस, काफी यूनिक से स्टेशनरी कलेक्शन इस पूरे बॉक्स के अंदर भरे हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, कर देना है वीडियो को लाइक, साथ ही कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरी इसी तरीके की और मजेदार वीडियोस को देखने के लिए गाइस। तो आज चलिए एक एक करके आपको अपना सारा स्टेशनरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ गाइस। काफी मजा आएगा आपको आज का स्टेशनरी देख के, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूनिक आज स्टेशनरी मैं लेकर आई हूँ गाइस। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफी प्यारा सा कैटरपिलर है मेरे पास। क्वालिटी देख सकते हैं कैटरपिलर की, कितनी ज्यादा जबरदस्त लग रही है ना गाइस। यहाँ पे देखिए, इसके टू आईज हैं जो कि काफी ब्यूटीफुल, काफी प्रिटी लग रही है। इनके इयर्स भी हैं टू, और ये कैटरपिलर लुक में मुझे मिल जाता है काफी प्यारा सा शार्पनर। यहाँ पे आपको नीचे की साइड पेंसिल का होल दिया गया, पेंसिल को पुश करना है, पेंसिल शार्प कर लेनी है, और यहाँ से आप खोलेंगे तो यहाँ सारा कचरा पेंसिल का इकट्ठा हो जाता है गाइस। तो है ना कितना जबरदस्त, कितना प्यारा सा ये कैटरपिलर वाला शार्पनर गाइस। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ और क्या है मेरे पास। ये गाइस क्या है, काफी प्यारा सा एक ब्यूटीफुल सा एलिफेंट है, आप देख सकते हैं। ये एलिफेंट का शार्पनर सेट है मेरे पास, काफी प्यारा, काफी ब्यूटीफुल सा है, क्वालिटी इसकी काफी जबरदस्त है गाइस। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का पेंसिल शार्पनर है मेरे पास। और देखिए गाइस, ये हमें काफी प्यारा सा इसके अंदर एक इरेजर भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही ये एक और काम करता है, आपका पेन और पेंसिल का जो है वो ग्रिपिंग पॉइंट है गाइस। आप पीछे की साइड इसको लगा के काफी अच्छा ग्रिप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रिप बनी हुई है जो काफी प्यारी लग रही है, और ये इरेजर भी है काफी ब्यूटीफुल सा। साथ ही आपको एक शार्पनर देखने के लिए मिल जाता है एलिफेंट का, जहाँ पे यहाँ पे छोटी छोटी सी आईज बनी हुई है एलिफेंट की, और नीचे की साइड आपको होल देखने के लिए मिल जाता है पेंसिल को शार्प करने के लिए। यहाँ से इसको खोलेंगे तो सारा कचरा इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, है ना। काफी ब्यूटीफुल सा, काफी जबरदस्त है ये एलिफेंट सेट है, काफी प्यारा सा। और देखिए गाइस, ये क्या है मेरे पास, काफी ब्यूटीफुल से, काफी प्यारे से ये है आइसक्रीम लुक में हाइलाइटर। देख सकते हैं कितने प्यारे हाइलाइटर है गाइस, और इसमें ना आपको 6 शेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं गाइस। चलिए मैं और खोल के आपको दिखाती हूँ कि किस किस तरीके के ये हाइलाइटर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इनको बाहर निकाल लेते हैं, देख सकते हैं गाइस, इस तरीके की कुछ क्वालिटी और कुछ लुक में ये अवेलेबल है गाइस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे 6 शेड में ये मिलते हैं आइसक्रीम वाले हाइलाइटर, काफी प्यारे, काफी ब्यूटीफुल से है। देखिए कुछ इस तरीके के देखने में लग रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे, कितने क्यूट से है गाइस। और यहाँ से आप फ्रंट वाला जो आइसक्रीम का यहाँ पे कप होता है, यहाँ पे इसको खोलेंगे तो इस तरीके से आपको इसका टिप देखने के लिए मिलते हैं। काफी प्यारे से ये हाइलाइटर है, तीनों जो ही कलर काफी यूनिक है, ये 3 कलर भी है जो कि काफी ब्यूटीफुल से हाइलाइटर है 6 शेड में मेरे पास। ये देख सकते हैं, ये क्या है गाइस, ये है हमारे पास भुट्टा, यानी कॉर्न लुक में है, काफी प्यारा सा, काफी ब्यूटीफुल सा मैकेनिकल पेंसिल है गाइस। ये आपको देखने में लग रहा होगा जैसे कि ये कोई पेन है, नहीं, ये है मेरे पास एक मैकेनिकल पेंसिल, काफी प्यारी, काफी ब्यूटीफुल सी है। क्वालिटी देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है, बिल्कुल रियल का आपको कॉर्न देखने के लिए लग रहा है गाइस, है ना। बैक साइड से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको पुश करना है इस तरीके से तो पेंसिल बाहर निकल कर आती है। देखिए गाइस कुछ इस तरीके से, है ना, कितनी जबरदस्त इसके टिप है, काफी प्यारे, काफी ब्यूटीफुल सा ये मैकेनिकल पेंसिल है। और गाइस ये देखिए, ये क्या है मेरे पास, काफी ब्यूटीफुल सा एक है फ्रूट है, काफी सारे जो कि है ये छोटे छोटे से इरेजर्स, काफी ब्यूटीफुल से है, इस तरीके की पैकिंग में अवेलेबल होता है गाइस। पूरा ट्रांसपेरेंट है कवर इसका, जहां से हमें ऊपर से ही पता चल रहा है कि ये जो सारे फ्रूट्स हैं, ये सारे फ्रूट्स लुक में इरेजर है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे वाटरमेलन है, और आपको यहाँ पे काफी प्यारा सा कलरफुल रेनबो टाइप का मिल जाता है, बनाना मिल जाता है, ग्रेप्स मिल जाते हैं, स्ट्रॉबेरी मिल जाती है। तो है ना कितने ब्यूटीफुल से छोटे छोटे से इरेजर्स हैं, देख सकते हैं। और इसको कैरी करने के लिए काफी अच्छा सा हमें स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, तो इसके अंदर आप बहुत ही इजीली इसको कैरी भी कर सकते हैं गाइस, है ना, कितना प्यारा सा इरेजर सेट ये। और गाइस देखिए, ये क्या है मेरे पास, काफी बड़ी, काफी ब्यूटीफुल सा ये है मेरे पास सुपर ट्रक टैंगो का, काफी प्यारा सा, काफी बड़ा सा हैवी वाला शार्पनर है गाइस। फटाफट से इसको खोल के दिखाती हूँ, कितना मजा आने वाला है इसको देखने के बाद आपको। इसका लुक जो है ना काफी प्यारा लग रहा है, इतना बड़ा शार्पनर आपने आज से पहले नहीं ही देखा होगा गाइस, बिल्कुल भी। काफी यूनिक सा ये स्टेशनरी कलेक्शन है मेरे पास, तो इसको इस तरीके से बाहर निकालेंगे और देख सकते हैं क्वालिटी कितनी जबरदस्त है, काफी हैवी लुक है इसका गाइस, है ना। और देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, लुक देख सकते हैं कितना अच्छा है गाइस। फ्रंट पे आपको यहाँ पे ना होल देखने के लिए मिल जाता है, इस ट्रक के आगे का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे आपको पेंसिल को पुश करना है और इस वाले को इस तरीके से घुमाना है तो पेंसिल आके इजीली शार्प हो जाएगी। काफी प्यारा लुक है, काफी बड़ा सा, और इतनी हैवी पेंसिल शार्पनर है ये, मुझे बहुत पसंद आई है। देखिए यहाँ पे इसके 2 लाइट्स भी बने हुए हैं ना, काफी प्यारा सा लग रहा है। और इस वाले कंपार्टमेंट को इस तरीके से आप खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल का सारा कचरा यहाँ इकट्ठा होता है, और दोबारा इसको इस तरीके से लगा देना है, तो है ना काफी जबरदस्त था। और यहाँ पे व्हील्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल रियल्स के व्हील्स है, पूरे घूम
घूम भी रहे हैं ना गाइस, कितने प्यारे से फोर व्हील्स हैं आपको फ्रंट से देखने के मिल जाते हैं। कैसा लगा है आपको ये वाला पेंसिल शार्पनर, ब्यूटीफुल सा है, सुपर ट्रक वाला। तो अगर पसंद आया तो सुपर ट्रक कमेंट में लिखकर जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये वाला पेंसिल शार्पनर बहुत ज्यादा पसंद आया गाइस। और गाइस देखते हैं और क्या है मेरे पास। ये है काफी प्यारा सा, काफी ब्यूटीफुल सा गन वाला एक मेरे पास है। लाइट के साथ पेन मिल जाता है आपको, काफी प्यारा सा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको, आप इस तरीके से ऐसे करके भी रख सकते हैं और यहाँ पे इसको कर देंगे तो काफी इजीली आपके स्टडी टेबल पे खड़ा भी हो जाएगा। इसको इस तरीके से आप रख सकते हैं, काफी प्यारा आपको लगेगा। क्वालिटी देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है गाइज इसको इसकी। और यहाँ से आपको काफी ज्यादा लेंथ भी देखने के लिए इसकी मिल जाती है गन की वाले पेन की। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा पुश बटन है, इसको इस तरीके से ऊपर करेंगे तो लाइट जलती है गाइज। वाओ है ना कितना जबरदस्त, कितना प्यारा सा है लाइट इसका। और दोबारा से इसको नीचे कर देंगे तो ये बंद हो जाता है। और गाइज यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से खोलेंगे तो ये पेन निकल के आता है, देखते हैं कुछ इस तरीके का टिप देखने के लिए मिल जाता है। ब्लैक कलर का पेन है, काफी प्यारा काफी जबरदस्त इसकी हैंडराइटिंग आती है। दोबारा से इसको इसके अंदर लगा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पेन हो सकता है गाइस गन वाला, है ना कितना प्यारा सा, कितना ब्यूटीफुल सा, जबरदस्त है गाइस। और देखिए गाइस ये है मेरे पास काफी प्यारी सी एक BTS की है पेंसिल केस गाइस, काफी ब्यूटीफुल काफी प्यारी सी है गाइस, BTS का है। और यहां से इसको निकाल के देखते हैं इसकी क्वालिटी किस तरीके से और कितना स्टेशनरी आइटम आप इसके अंदर रख सकते हैं गाइस। तो चलिए इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया है, देख सकते हैं कितना प्यारा काफी सॉफ्ट लुक में है गाइस ये वाला पेंसिल केस, देख सकते हैं BTS का है। और कितने प्यारे से इसके फर बने हुए हैं ना ये पिंक पिंक कलर के, कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं इसको टच करने में। बैक साइड से देख सकते हैं कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिलता है गाइस। यहां पे आपको एक जिपर पॉकेट देखने के लिए मिल जाती है, तो इसको इस तरीके से खोलेंगे तो यहां पे काफी सारा आपका स्टेशनरी आइटम आ जाएगा गाइस, जहां पे अपना पेन पेंसिल शार्पनर कलर्स वगैरह इजिली कर सकते हैं। तो काफी ब्यूटीफुल सा ये पेंसिल केस है। अभी इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या है गाइस मेरे पास। ये देख सकते हैं ये है किटी वाला मेरे पास काफी प्यारा सा पर्पल कलर में पिगी बैंक, पूरा मेटल बॉडी में अवेलेबल है। यहाँ पे भी किटी सी बनी हुई है प्यारी सी, और यहाँ पे भी है इसका रिबन, देख सकते हैं आइस कितनी प्यारी प्यारी सी बनी हुई है ना। और ये बैठी हुई है हाथ में फिश लेकर, देख सकते हैं ना कितनी प्यारी लग रही है, काफी ब्यूटीफुल की लग रही है। फ्रंट पे आपको एक ना हैंडल देखने के लिए मिल जाता है इसको कैरी करने के लिए इजिली, काफी अच्छा सा हैंडल है। क्वालिटी काफी ज्यादा जबरदस्त है इस पिगी बैंक की, बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पे आपको होल मिल जाता है जहाँ पे आप अपने कॉइन्स वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं, और इस तरीके का आपको लॉक मिलता है। और इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो काफी सारा स्पेस आपको मिलता है गाइस इसमें। और देखिए एक ना आपको लॉक मिल जाता है, ताला मिल जाता है, और एक चाबी मिल जाती है ना कितनी ब्यूटीफुल सी। आपको यहाँ पे इसको लॉक कर लेना है तो आपके जितने भी पैसे हैं वो कोई ले भी नहीं पाएगा गाइस। तो काफी प्यारा सा ये पिगी बैंक है, आपको कैसा लगा है इस तरीके का पिगी बैंक ये कैरी करने वाला काफी ब्यूटीफुल सा, कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। तो चलिए अभी इसको रखते हैं और देखते हैं और क्या है मेरे पास। ये देखिए गाइस ये क्या है मेरे पास, काफी प्यारा सा जंगल एडवेंचर का काफी ब्यूटीफुल सा इरेजर सेट है गाइस। इसमें काफी सारे इरेजर आपको देखने के लिए मिलेंगे, मुझे काफी प्यारा लगा था इस वाले इरेजर सेट को, मैंने गाइस 100 रुपीज में लिया है। जंगल एडवेंचर का यह इरेजर है, सेट है पूरा। चलिए इसको खोलकर दिखाती हूँ कि किस किस तरीके के आपको इरेजर्स मिल जाते हैं। आप ऊपर से तो देख ही सकते हैं गाइस कि आपको लुक कितना प्यारा लग रहा है, बट अंदर से देख लेते हैं। वाओ क्या जबरदस्त क्वालिटी है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे हमें, देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे मंकी, जिराफ, पैरेट, लायन, आउल, रैबिट और काफी पांडा है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं, काफी ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। देखिए ये मुझे क्या निकाल लेते हैं इसमें से, ये मुझे ये ले लेते हैं गाइस, ये वाला इरेजर काफी प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं निकाल के दिखाती हूँ, देखिए क्वालिटी कितनी ज्यादा जबरदस्त है ना, देख सकते हैं कितनी प्यारी क्वालिटी आप इसकी इरेजर की है ना। और देखते हैं एक दो और निकाल लेते हैं और क्या प्यारा लग रहा है इसके अंदर गाइस। ये देखते हैं एलिफेंट, देखते हैं छोटू से एलिफेंट बेबी है हमारे पास, देख सकते हैं कितनी प्यारी कितनी जबरदस्त क्वालिटी है इसकी है ना, कितना प्यारा लग रहा है। एक एक इरेजर, सारे ही इरेजर काफी ब्यूटीफुल है, मैं सारे निकाल के दिखाती हूँ आपको लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये पांडा वाला इरेजर देखिए गाइस कितना प्यारा कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, क्वालिटी इसकी काफी जबरदस्त है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये वाला इरेजर सेट। आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। और देखिए ये क्या है मेरे पास, काफी प्यारा सा एक मेरे पास है बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टेशनरी किट है। और इस स्टेशनरी किट के अंदर काफी सारा आपको आर्ट सप्लाई भी मिल जाएगा, पेंसिल इरेजर्स भी मिल जाएंगे। मैं फटाफट से आपको खोल के दिखाती हूँ कि क्या क्या कलेक्शन इसके अंदर है और किस तरीके की क्वालिटी इस स्टेशनरी किट में हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमें मिल जाता है काफी प्यारे से HB पेंसिल मिल जाती है इसके अंदर। क्वालिटी देख लेते हैं किस तरीके की पेंसिल हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ और ये सारी पेंसिल्स को हम बाहर निकालेंगे तो हमें कलेक्शन के मामले यहाँ पे 6 पेंसिल्स मिल जाती है गाइस। देखिए क्वालिटी इसकी कितनी जबरदस्त है, लेंथ भी इसकी काफी प्यारी काफी ब्यूटीफुल है, लेंथ देख सकते हैं और ट्रायंगुलर शेप में ये आपको पेंसिल देखने के लिए मिल जाती है गाइस, काफी प्यारी सी ये पेंसिल है। और इसके अंदर देखते हैं इस किट में और क्या मिलता है हमें, तो एक प्यारा सा आपको शार्पनर मिल जाता है, देख सकते
सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल सा। और गाइज इसके अंदर और देखते हैं क्या चीजें हैं। तो एक आपको ऊपर से दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट लुक है तो दिख रहा होगा गाइज, यहाँ पे शार्पनर भी एक ब्यूटीफुल सा मिल जाता है, काफी यूनिक सा शार्पनर आपको देखने के लिए मिलता है पिंक कलर में, है ना, काफी प्यारा सा। और ये देखिए गाइज और क्या है, यहाँ पे आपको क्रियॉन्स कलर मिल जाते हैं ट्रायल शेड्स में, पूरे ट्रायल शेड्स इसके अंदर आपको मिलेंगे क्रियॉन्स के। क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी है इन क्रियॉन्स कलर्स की, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ गाइज। ये देखिए कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको देखने के लिए इन क्रियॉन्स कलर्स में मिल जाती है। तो है ना कितने ब्यूटीफुल, कितने जबरदस्त है ये वाले क्रियॉन्स कलर्स गाइज। और देखिए और क्या है इसके अंदर, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, आपको देखिए और भी आपको 12 कलर्स और भी क्रियॉन्स मिल जाते हैं 12 शेड्स में। ये भी निकाल के देखते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी है इसके अंदर की भी। देखिए उसी तरीके की सेम क्वालिटी है इसका, मतलब आपको 24 शेड्स क्रियॉन्स के मिल जाते हैं, जो कि काफी यूनिक हो जाते हैं, काफी ब्यूटीफुल से होंगे गाइज। आपको इनसे कलर कलरिंग करने में काफी मजा आने वाला है। लास्ट में हमें इस किट के अंदर मिल जाता है काफी प्यारा सा एक ड्रॉइंग बुक है गाइज, मैं निकाल के दिखाती हूँ ये वाली ड्रॉइंग बुक किस तरीके की है अंदर से और पेजेस इसके किस तरीके के हैं। तो चलिए इस तरीके का कुछ आपको फ्रंट पे व्यू देखने के लिए मिल जाता है। पिक्चर कितनी प्यारी प्यारी रैबिट की बनी हुई है, जो कि काफी ब्यूटीफुल सा लग रहा है गाइज। और देखिए इस तरीके की ड्रॉइंग बुक आपको देखने के लिए मिल जाती है, इस तरीके के पेजेस हैं, कुछ पेजेस काफी अच्छे काफी जबरदस्त है गाइज। बट फ्रंट पे ना आपको कोई इंडेक्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है, डायरेक्टली पेजेस मिलते हैं, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए कलर्स के लिए, है ना। तो काफी प्यारा सा ये ट्रांसपेरेंट बैग में, और बैग हो गया बिल्कुल खाली, मैंने आपको सारा सामान इसके अंदर का दिखाया है। ये देखिए गाइज ये क्या है, ये पांडा वाला मेरे पास स्टेंसिल है, काफी प्यारी सी पैकिंग में है गाइज, और कुछ इस तरीके की पैकिंग में आप देख सकते हैं, काफी प्यारा लगा है मुझे। यहाँ से इसका लॉक है, इसको खोल लेंगे और देखिए निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ इन स्टेंसिल को। ये दो तरीके के डिफरेंट स्टेंसिल मुझे देखने के लिए इसके अंदर मिले हैं गाइज, जो कि काफी प्यारे लगे हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी गाइज किस तरीके के। तो इसके अंदर ना एक छोटी सी डायरी दी जाती है गाइज, जिसपे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप किस तरीके से इन स्टेंसिल को यूज कर सकते हैं। देखिए गाइज कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर काफी सारे अलग अलग पिक्चर्स है, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं इनको रख रख के इन स्टेंसिल की हेल्प से। इसमें काफी सारे आपको कटक दिए गए जाते हैं, जिनकी हेल्प से आप काफी अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। काफी प्यारा सा स्टेंसिल पांडा वाला, तो मुझे काफी प्यारा काफी ब्यूटीफुल सा लगा है गाइज। ये देखिए ये क्या है, मेरे पास काफी प्यारा सा एक पेंसिल पॉच है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पे ना आपको एक ग्लास में लिक्विड भरा हुआ मिल जाता है, जिसके अंदर सीक्वेंस और एक प्यारी सी डॉल है, और पूरा ये थीम देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे एक प्यारी सी प्रिंसेस भी बनी हुई है, कुछ इस तरीके का है ये वाला देखने में। और यहाँ पे देखिए जिप इसकी कितनी प्यारी है, इसके अंदर गाइज आपको काफी प्यारी सी किचन मिल जाती है, और देखते हैं कि इसके अंदर कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा हमारा, कितना स्पेस हमें मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, जहां पे हमें यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिलता है, काफी सारा स्टेशनरी इसके अंदर आप कैरी कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे अपने पेन पेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं लॉक करके, काफी अच्छा है। और यहाँ पे काफी सारा आपको स्पेस देखने के लिए मिलता है, जहां पे आप अपना पेंसिल पेन कलर्स वगैरह काफी इजिली कैरी कर सकते हैं, काफी ज्यादा स्टेशनरी आपका इसके अंदर आ जाएगा गाइज। तो चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या है मेरे पास गाइज। तो ये देख सकते हैं ये क्या है मेरे पास, काफी प्यारा काफी ब्यूटीफुल सा मल्टी बटन वाला कैट की एक प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स है गाइज, काफी बड़ी और लेंथ देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है इस पेंसिल केस की गाइज। यहाँ पे आपको काफी सारे बटन दिए गए जिनके अलग अलग यूज है, तो फर्स्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेंसिल शार्पनर खुलेगा गाइज, और सेकंड बटन को प्रेस करेंगे गाइज तो देखिए ये वाला कंपार्टमेंट खुलता है, जहां पे आप अपना इरेजर और शार्पनर वगैरह कैरी कर सकते हैं गाइज। इस वाले बटन को प्रेस करके देखिए यहाँ पे आपको क्या खुलता है, यहाँ पे देखिए इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग से कंपार्टमेंट मिलता है, जहां पे आप अपना इरेजर और शार्पनर रख सकते हैं। और यहाँ से इस ढक्कन को ओपन करते हैं गाइज, और यहाँ पे देखिए आपको फ्रंट पे टाइम टेबल लिखने के लिए मिल जाता है, साथ ही आपको यहाँ पे फोर पेन पेंसिल लॉक मिल जाती है, जिसमें ऑलरेडी मैंने इन पेंसिल्स को रख रखा है गाइज। और ये वाला बटन जो है इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाती है इस तरीके से, देखिए पेंसिल जो है ये वाला कंपार्टमेंट ऊपर की तरफ, काफी इजीली आप इसको लॉक कर लेंगे और काफी इजीली इसके अंदर पेंसिल को होल्ड कर देंगे, तो काफी प्यारा सा ये लॉक है, इस तरीके से दोबारा रख के दोबारा इसको बंद कर देंगे, है ना। कितना जबरदस्त पेंसिल केस है गाइस। बैक साइड से देखिए तो बैक साइड से कुछ इस तरीके का स्पेस देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी स्पेसियस है, आपके कलर्स वगैरह इसके अंदर इजीली आ जाएंगे। तो है ना कितना प्यारा कितना ब्यूटीफुल सा ये वाला पेंसिल केस गाइस। और ये दिखाती हूँ ये क्या है हमारे पास, एलिफेंट लुक में है, पिंक कलर में है, बहुत ही प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स है, आई लव यू हैप्पी मदर लिखा हुआ है, काफी प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए एलिफेंट बनी हुई है, कितनी प्यारी थी डॉल जैसी लग रही है, फ्रॉक भी पहनी हुई इन्होंने। दो बटन मिल जाते हैं, फर्स्ट बटन को प्रेस करेंगे तो पेंसिल शार्पनर देखने के लिए मिलता है, सेकंड बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इरेजर कंपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है या शार्पनर कंपार्टमेंट। इस वाले ढक्कन को यहाँ से ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, जहां पे आपको 5 पेन पेंसिल लॉक देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ ही आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया है जहां पे आप
आप अपना पेन वगैरह कैरी कर सकते हैं। एक आपको इसके अंदर डस्टर फ्रंट पे मिल जाता है और एक मार्कर भी साथ में मिल जाता है गाइस। वो क्यों मिलता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ना हमें एक व्हाइट बोर्ड मार्कर देखने के लिए मिलता है, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड मार्कर दिया गया है, उसी के लिए यूज के लिए आपको अंदर एक मार्कर दिया जाता है गाइस। बैक साइड से देखते तो यहाँ पे काफी सारा स्पेस देखने के लिए मिलता है आपके स्टेशनरी को कैरी करने के लिए। तो काफी प्यारी काफी बड़ी सी ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस। ये वाली देखिए ये किस तरीके की ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी सी ये ट्रेन लुक में है, आप देख सकते हैं, सॉरी बस लुक में है। यहाँ पे देखिए इनके डिब्बे के मिरर्स बने हुए हैं जहाँ पे ये सारे लोग देख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलता है गाइस। और बैक साइड पे भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ काफी सारा स्टेशनरी आपका आ जाएगा। साथ ही आपको इसके अंदर ना फोर व्हील्स मिल जाते हैं काफी प्यारे से, और ये आप चाहें तो इस तरीके से इससे इंजॉय भी कर सकते हैं ये वाले ज्योमेट्री बॉक्स से। तो काफी अच्छा अच्छा आज मैंने आपको ज्योमेट्री बॉक्स दिखाया, काफी प्यारा से कलेक्शन दिखाया है, स्टेशनरी किट काफी प्यारी दिखाई है गाइस आपको, स्टेंसिल आप देख सकते हैं, और ये वाला पेंसिल शार्पनर आपको काफी प्यारा लगा होगा। तो गाइस आज का स्टेशनरी कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा मेरी आज की वीडियो। तो जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय गाइस।